और कश्मीर की तरफ से चल रहा है, ये पिछले 36 साल से हमारा नगर चल रहा है। सवेरे से शाम तक हमारा नाश्ते से डिनर तक हमारा ये चल रहा है और हमारे आज मेहमान खुशी आज भी बहुत आए हैं उनके हाथों से सजा रखा। राजकुमार गोयल जी और उनके पूरे परिवार को भगवान अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे और ये जो काफिला है खिदमत का ये चलता रहे। आपने सुना कि 26 साल से वो ये सेल्फलेसली अपने हिसाब से ये लंगर का आयोजन करते हैं और आज मुसलमानों के मुहर्रम चल रहे हैं और 7वां मुहर्रम है और उसमें अमरनाथ यात्रा जो है जम्मू कश्मीर में चल रही है और अच्छे ढंग से हम सब लोग इसका स्वागत भी करते हैं और जम्मू कश्मीर की जो रियल एसेंस है आपसी रवादारी और मोहब्बत की वो आज आपके सामने दर्शाती है कि हम सब बिलीव करते हैं एक दूसरे के रिलीजियस सेंटीमेंट्स को, एक दूसरे के रिलीजियस रिचुअल्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं। इसी के उपलक्ष्य में मैं भी यहां आया हूं कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज राजकुमार गोयल साहब के इस लंगर के वसादत से पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक हैं और हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने अपने मजहब की पैरवी करके हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं शुक्रिया भी करता हूं पूरी मैनेजमेंट कमेटी का, गुलशन जी का, सबका और दुआ करता हूं कि ये काफिला जो है हमेशा चलता रहे, आने वाली जनरेशन भी इनके फुटप्रिंट्स पे चले और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन रहे। ये अमरनाथ यात्रा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से ये लंगर जो है आयोजन किया गया है। पिछले 26 सालों से जैसे कि आपको बताया गया ये लंगर यहाँ पे चलता है और इस लंगर का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे श्री राजकुमार गोयल जी और आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे सोहेल काजमी साहब जी, सीनियर जर्नलिस्ट। और मैं सभी को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूं और सभी जनता को ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं और जितने भी यात्री यहां पे आए हैं वो हम सब लोगों का एक प्यार यहां पे देख के पूरे हिंदुस्तान में ये बात फैलाएं कि हम सब लोग भाई भाई हैं और भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करें।